दोस्तों हाल ही में आरबीआई रिजर्व बैंक के गवर्नर की बैठक हुई और उस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण बड़े फैसले लिए गए, जैसे कि रेपो रेट वगैरह में भी बदलाव किया गया, मैंने आपको बताया था। और उसी बैठक में सहकारी बैंकों के लिए आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ नए नियम बना दिए। जो कई सारे सहकारी बैंक होते हैं ना, ग्रामीण लेवल पर छोटे छोटे बैंक, कोऑपरेटिव बैंक वगैरह, उनके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ नए नियम बनाए गए हैं। हालांकि दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बात सूचित करना चाहूंगा कि आए दिन हमें ऐसी खबरें देखने को मिलती रहती है कि कोऑपरेटिव बैंक जो है ना, वो कई सारी धोखाधड़ी धांधली करते हैं और उसके चलते आरबीआई इन बैंकों का लाइसेंस भी रद्द करती रहती है। हाल ही में ऐसी खबर आई थी, आरबीआई ने कर्नाटक के बगलकोट में स्थित मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया 8 जून से ही, अभी कुछ दिन पहले ही। इसके अलावा पीएमसी कोऑपरेटिव बैंक पर भी अभी कुछ दिन पहले कार्यवाही की थी। कई सारे कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई जो लिमिटेशन लगा देता कि ये बैंक अब 2 साल तक लोन नहीं बांट पाएगा और इस बैंक के खाताधारक 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे, आए दिन हमें ऐसी खबरें देखने को मिलती रहती है, राइट। इसके पहले आरबीआई ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के भी 2 सहकारी बैंकों पर लाखों रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था धोखाधड़ी और फ्रॉड के चलते। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने सभी पैसों को या ज्यादातर पैसों को कोऑपरेटिव बैंकों में जमा ना रखें। इन बैंकों की जो फेट होती है ना, वो कम होती है, विश्वास कम होता है। आप बड़े बैंकों में पैसा जमा रखें, ब्याज भले आपको थोड़ा कम मिलेगा लेकिन आपका पैसा ज्यादा सिक्योर रहता है। कोऑपरेटिव बैंकों पर उतना विश्वास अब नहीं रहा क्योंकि आए दिन इन बैंकों में फ्रॉड और धोखाधड़ी की घटनाएं देखने को मिलती रहती है। खैर, यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जो कोऑपरेटिव बैंकों के लिए नियमों में बदलाव किया है, वो है आवास ऋण की सीमा को दुगनी कर दी है। पहले कोऑपरेटिव बैंकों के लिए ये लिमिट थी कि ये कोऑपरेटिव बैंक जो है अधिकतम 70 लाख रुपए तक का ही होम लोन दे सकते थे किसी भी ग्राहक को, 70 लाख रुपए से ज्यादा का होम लोन नहीं दे सकते थे, लेकिन इस लिमिट को बढ़ाकर दुगुना कर दिया। अब कोऑपरेटिव बैंक भी किसी ग्राहक को अधिकतम 1,40,00,000 रुपए तक का होम लोन बांट सकेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इस लिमिट को जस्ट डबल कर दिया, 70 लाख को बढ़ाकर 1,40,00,000 कर दिया है ना। तो उम्मीद है कोऑपरेटिव बैंकों को लेकर एक छोटा सा न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा। वैसे दोस्तों, क्या आपके राज्य में भी कभी कोई कोऑपरेटिव बैंक में धोखाधड़ी का मामला देखा गया? कौन से कोऑपरेटिव बैंक में, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।